हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल और फीमेल पेल्विस के बारे में। ठीक है, मेल और फीमेल पेल्विस की रेडियोग्राफिक एनाटॉमी देखेंगे और इसमें क्या डिफरेंस है मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में। ठीक है दोस्तों, मेल और फीमेल पेल्विस शेप के आधार पर, साइज और शेप के आधार पर अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। आ जाए स्क्रीन पर, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मेल पेल्विस। ठीक है दोस्तों, और ये है फीमेल पेल्विस। ठीक है, ये मेल पेल्विस का एपीयू है और ये फीमेल पेल्विस का भी एपीयू है। ठीक है, अब हम इसमें आपस में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफिकली क्या डिफरेंस है इसमें, है ना, एक्सरे में क्या डिफरेंस दिखाई देता है ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका इनलेट देख लेते हैं। इनलेट मतलब पेल्विस, इनलेट मतलब ये वाला हिस्सा कहलाता। ठीक है दोस्तों, ये अंदर का ये हिस्सा। ठीक है, और फीमेल में ये वाला। ठीक है, तो पेल्विस इनलेट में आपको हार्ट शेप दिखाई दे रहा है मेल पेल्विस। ठीक है, ये हार्ट शेप दिखाई देगा और स्मॉल दिखाई देगा फीमेल पेल्विस की अपेक्षा में। ठीक है, उस टाइप से आप फीमेल पेल्विस देख लीजिए, ये ओवल शेप दिखाई दे रहा है और ओवल शेप या राउंड शेप और लार्ज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी अपेक्षा ये लार्ज दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका आउटलेट देख लेते हैं। आउटलेट मतलब ये पूरा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो आउटलेट इसका मेल पेल्विस का नेरो रहेगा। ठीक है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ, जबकि फीमेल पेल्विस का जो आउटलेट है वो थोड़ा वाइडर या लार्ज रहेगा, दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब इसके साइज की बात कर लेते हैं। साइज के हिसाब से जो मेल पेल्विस है वो स्मॉल और जैसा आप देख रहे हैं नेरो दिखाई दे रहा है मेल पेल्विस, जबकि फीमेल पेल्विस लार्ज और वाइड दिखाई दे रहा है फॉर चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी के लिए। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं, है ना, डिजाइन कैसा है इसका। ठीक है, मेल पेल्विस का। ठीक दोस्तों, मेल पेल्विस का जो डिजाइन होता है वह बॉडी और मसल्स, स्ट्रांग मसल्स को सपोर्ट प्रदान करने के लिए इस टाइप का इसका डिजाइन होता है, जबकि फीमेल पेल्विस का जो डिजाइन है वह चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी, चाइल्ड डिलीवरी के हिसाब से इसका डिजाइन डेवलप होता है फीमेल पेल्विस का। ठीक है दोस्तों, अब इसका देख लेते हैं, अब प्यूबिक आर्च देख लेते हैं। ठीक है, ये प्यूबिक आर्च ये कहलाता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस, यहाँ पे जो दो बोन्स मिलती है, हिप बोन आपस में, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस कहलाता है। इसका प्यूबिस सिम्फाइसिस जो है ये वी शेप्ड है। ठीक है, देख पा रहे हैं मेल में, जबकि फीमेल में आपको वाइड शेप या चौड़ा या यू शेप दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो एंगल है प्यूबिक आर्च में, है ना, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से कम होता है, जबकि मेल फीमेल में ये 90 डिग्री से अधिक होता है इसका एंगल। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऑब्टरेटर फोरामिना देख लेते हैं। ये ऑब्टरेटर फोरामिना ये कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्टरेटर फोरामिना ये राउंड शेप्ड है कुछ हद तक। ठीक है, मेल में, और फीमेल में ये ओवल शेप दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से मेल और फीमेल पेल्विस में हमने अंतर देख लिया ना दोस्तों। फीमेल पेल्विस प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी के हिसाब से थोड़ा वाइड और चौड़ा दिखाई देता है, जबकि ये नेरो और स्मॉल होता है मेल पेल्विस का जो डिजाइन है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा एनाटॉमिकली